नमस्कार दोस्तों, मैं हिरेंद्र सिंह नम्रता टेक्निकल पॉइंट की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको आधार सेंटर से रिलेटेड जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि इसकी परमिशन मिल चुकी है। तो आप गांव में रहते हैं और आप आधार सेंटर का काम करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन फॉर्म भरिए। और इसमें दोस्तों शर्त ये रखी गई है कि जो लोग CPC बैंक का काम करते हैं केवल उन्हीं लोगों को आधार सेंटर की परमिशन दी गई है। तो आप गांव में रहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। और आप CSC चलाते हैं प्लस उसके साथ आप BC पॉइंट भी चलाते हैं तो आपको आधार सेंटर का काम मिलने वाला है और आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले चलता हूँ। जो है आधार सेंटर आप खोल सकते हैं गाँव में रहते हैं। शर्त ये है कि आप किसी भी बैंक का CPC चलाते हैं और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस का लिंक दे दूंगा जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया। डेमोग्राफी अपडेट ये थ्रू अपडेटिंग क्लाइंट लाइट UCL, इसके माध्यम से डिजिटल सेवा आपको कनेक्ट करना है। यहाँ से आपको डिजिटल सेवा कनेक्ट करना है, पहले से ही कनेक्ट हूँ ये। और यहाँ से VLE का नाम भरना है, जो भी VLE का नाम हो। और ये देखिए मेरी ID यहाँ पर भर के आ गई है, क्योंकि मेरी ID से यहाँ से VLE का नाम भरना है। और यहाँ से बैंक VLE बैंक BC कोड, जो भी CPC चलाते हो वो चाहे किसी भी बैंक का हो तो वहाँ पे वो जो कोड मिलता है वो आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा, तभी आपको आधार सेंटर मिलेगा। अगर ये सोच रहे हो भाई लोग कि सब लोगों को ये मिलने वाला है तो सब लोगों को नहीं मिलेगा। जिनका ओनली BC पॉइंट है केवल उन्हीं को मिलने वाला है आधार सेंटर। और यहाँ पे नेम ऑफ बैंक इश्यूज VLE BC कोड, तो जो नेम है बैंक का उन्होंने जो कोड इश्यूज किया है वो आपको भरना है। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट का चूज करना है। सभी जगह ये जारी कर दिया गया है तो आप जिस भी स्टेट में रहते हैं वो अपना स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ पे दूसरा था पिन कोड ऑफ लोकेशन वेयर CSC इज लोकेटेड, जो आपका पिन कोड हो एरिया का वो पिन कोड यहाँ पे आपको सबमिशन करवाना है। और CSC सेंटर कंप्लीट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस होता है तो वो कंप्लीट विथ हाउस नंबर के यहाँ पे आपको कंप्लीट कराना है। यहाँ पे VLE का मोबाइल नंबर डाला जाएगा और यहाँ पे VLE की ईमेल ID डाली जाएगी। यहाँ आधार नियेस्ट ऑपरेटर सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, जो आधार का UIDAI सर्टिफिकेट जो प्रोवाइड कराता है वो आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है, यस नो में टिक करके अगर है तो आपको यस कर देना है। इसके बाद आपको चूज फाइल पे यहाँ पे आपको PDF फाइल सेलेक्ट करनी है। आपको PDF भी भर सकते हैं या JPG, और ये दोनों ये मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑपरेटर सुपरवाइजर पुलिस वेरिफिकेशन कॉपी नॉट 3 मंथ ओल्ड, मतलब 3 महीने पुरानी आपका पुलिस वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे आपको है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर दीजिए। लेकिन आपको ज़्यादातर रिकमेंड मैं ये करूँगा कि ये सारी चीज़ आप बनवा लीजिए तभी इस फॉर्म को भरिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन का यहाँ पे आपको स्कैन करके अपलोड कर देना है। ऑपरेटर सुपरवाइजर E-आधार, अपना E-आधार इंटरनेट से डाउनलोड कर लेना है और उसको यहाँ पे आप अपलोड कर दीजिएगा यस करके। सुपरवाइजर ऑपरेटर सुपरवाइजर मोबाइल नंबर लिंकेड विथ आधार नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक है वही नंबर आपको यहाँ पे सबमिट करना है। अगर नहीं है तो नो पे सेलेक्ट कर देना है। ऑपरेटर सुपरवाइजर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर और कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर अगर इस्तेमाल करते हैं तो यस कर दीजिए, अगर और कोई मोबाइल नंबर इस्तेमाल नहीं करते हैं तो नो कर दीजिए। ऑपरेटर सुपरवाइजर ईमेल आईडी, और ऑपरेटर और सुपरवाइजर यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे सबमिशन करवानी है। लैपटॉप अवेलेबल एज पर UDI सर्टिफिकेशन क्लिक हेयर टू शो द स्पेस, आपके पास लैपटॉप की फैसिलिटी कितनी है और वो UDI के सपोर्ट में कितना है यहाँ पे यस करके आपको यहाँ पे पूरी डिटेल सबमिट करवानी है क्या क्या है लैपटॉप में। यहाँ से आप देख सकते हैं क्लिक हेयर डिटेल करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल आ जाएगी कि कितना क्या है। देखिए इसका डिटेल दिया, मशीन फ्रॉम फैक्टर लैपटॉप होना चाहिए, मॉडल ये होना चाहिए, इसका ITEL है i5 9th जनरेशन का हायर होना चाहिए, AMD प्रोसेसर भी चलेगा, 300 सीरीज हायर 2.8 GHz QR प्रोसेसर होना चाहिए, जो उसका डिस्प्ले है 14 HD होना चाहिए, 14 इंची डिस्प्ले होना चाहिए,
और मेमोरी कार्ड 8 GB के लगभग होना चाहिए, 8 से 16 GB। वेब कैमरा भी उसमें होना चाहिए और इनपुट आउटपुट के पार्ट भी उसमें अवेलेबल। ये लैपटॉप में सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं वैसे भी, तो आपको मेन मेन पार्ट देख लेना है कि इसमें हमारा लैपटॉप कौन सा सूटेबल रहेगा। अगर आपके पास लैपटॉप है और उसमें ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि किसी का आप या तो आप ख़रीद लीजिए, या नहीं है तो इस तरीके से सिस्टम आपको बनाना है, तभी आपका वो सही तरीके से वर्क करेगा, नहीं तो वो फिर हैंग करेगा, फिर आपको आधार अपडेशन या आधार बनाने में दिक्कत होगी। तो ये यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि किस तरह के, यहाँ से कलर मैन्युफैक्चरिंग प्रिंटर अवेलेबल, यहाँ से जो कलर वाला प्रिंटर होना चाहिए आपके पास ब्लैक एंड, ये नहीं है कि ओनली ब्लैक वाला ही चलेगा, तो आपको कलर वाला प्रिंटर होना है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। फिंगरप्रिंट स्कैन डिवाइस अवेलेबल, सिंगल फिंगरप्रिंट डिवाइस अवेलेबल होना चाहिए आपके पास सिंगल, और आयरस स्कैन जो डिवाइस होती है वो भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए सिंगल, और EFT मॉनिटर डिवाइस अवेलेबल होनी चाहिए, और GPS डिवाइस भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि जहाँ भी आप बना रहे हैं वहाँ से आप दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं बनाने के लिए, इसलिए GPS डिवाइस मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से देखिए तो CSC सेंटर हैविंग एंड स्पेस ऑफ वेटिंग एरिया ऑफ अटेंडेंट्स सिटिंग ऑफ 5 सिटीजन, कम से कम जो आपका एरिया है उसमें कम से कम 5 लोगों की बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, और उसका इन साइड अंदर की साइड और आउट साइड मतलब बाहर की साइड आपको फ़ोटो खींच के इस पर अपलोड करना है, तो इतनी जगह आपके पास होनी चाहिए कि कम से कम 5 लोग सेंटर पे आपकी बैठ सकें। और इंटरनेट अवेलेबिलिटी एट द सेंटर, आपके पास ब्रॉडबैंड है या डोंगल है जो भी हो वो आपको यहाँ पर टिक करना है। आप ये जैसे ब्रॉडबैंड होता है तो आप ब्रॉडबैंड का यहाँ पर IP एड्रेस डालेंगे, अगर डोंगल है तो डोंगल का IP एड्रेस डालेंगे, जो भी आपके पास हो वो आपको अवेलेबल करना है। और CCTV कैमरा भी आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तो CCTV भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये CCTV आपको लगाना है, तो यस कर दीजिए अगर आपके पास है, और यहाँ पे अपलोड कर दीजिए फ़ोटो खींच के। दिव्यांग फ्रेंडली सेंटर विथ ए अवेलेबिलिटी रैंप एंड व्हील चेयर, मतलब जो दिव्यांग लोग हैं उनको बैठने के लिए व्यवस्था है या नहीं है, उनके चढ़ने के लिए, उनको उतरने के लिए, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ऊंचाई हो तो वो दिव्यांग लोग वहाँ पर चढ़ ना सकें, तो ये आपको फैसिलिटी पर ध्यान रखना है। टेकन फ्रॉम मशीन ए अवेलेबल फॉर सिटीजन, तो जो टोकन निकालता है जैसे आपने बैंक में देखा होगा SBI वगैरह में जो टोकन निकालता है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो नंबर वाइज नंबर, उस मशीन की भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए, तो यहाँ से आपके पास है तो यस कर दीजिए, और नहीं है तो नो कर दीजिए, लेकिन ये मैंडेटरी है क्योंकि इस पर टिक मार्क है, तो आप यहाँ से इसके लिए भी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। तो और यहाँ पे टॉयलेट फैकल्टी भी अवेलेबल होने चाहिए आपके सेंटर पे, और ये सारा भरने के बाद आपको सबमिट कर देना। कैसा लगा दोस्तों वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। मेरा जो ब्लॉग है उसमें बहुत सारे जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड और कंप्यूटर कोर्स से रिलेटेड आपको कोर्स मिलते रहते हैं, तो यहाँ से देख लीजिए। मेरे पास बहुत ही अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे चैनल बनाए हुए, तो देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएंगे डाटा को रिकवर कैसे करते हैं और आर्टिकल जनरेट कैसे करते हैं, और यहाँ से 8 कंप्यूटर की बहुत ही अच्छी ट्रकें हैं, इनको आप ज़रूर देखिएगा। और ये गूगल क्रोम की ट्रकें हैं, बहुत ही आपको काम की ट्रकें हैं, ये आपकी मॉर्फो डिवाइस अगर काम नहीं कर रही है तो इस सेटिंग का आप उपयोग कीजिए, आपकी डिवाइस 100% वर्क करेगी। DNS सेटिंग है, जो ब्लॉगिंग में काम करते हैं, वेब होस्टिंग का काम करना चाहते हैं तो DNS सेटिंग के लिए ये बताया गया है। तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक एवं सब्सक्राइब, थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार।